असलम एव वन होप यू ऑल आर फाइन जरूरी है आई एम गोइंग टू शेयर विद यू आर रेसिपी ऑफ मीठी टिक्कियाँ जो आप जब के महीने में जो खाते हैं लेते हैं बहुत अच्छी बनती है उसको मैं बनाना सिखाऊंगी घर पर ही तो इसके लिए हमने लेना है वन फुल कप यहाँ पर उनके पास शुगर है पीसी हुई जिसमें से हाफ कप सिर्फ यूज़ होगा उसके बाद यहाँ पर थ्री फोर्थ कप मेरे पास सूजी है और बाइक तो चले जाओ पहले सूजी है साथ ही मेरे पास यहाँ पर मैदा है वन कप ये जब मैं बनाने लगता ना तभी कुछ ना कुछ होता है उसके बाद यहाँ पर है जी हाफ कप घी घी लेना और बिल्कुल नहीं लेना घी में ही बनेगी और यहाँ पर वन फोर्थ टी स्पून मेरे पास है इलायची और जो इसके साथ व्हाइट वेट पड़ा हुआ है वो हमारे पास मिल्क जिसके वन और टू टेबल वन टू टू टेबल स्पून जाएंगे सिर्फ और कुछ भी नहीं जाएगा ओके जी नाउ लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर इधर जी मैंने ले लिया है जी शिफ्टर जिसके अंदर जी मैंने यहाँ पर अपनी जो सूजी थी उसे मैंने डाल लिया है और अच्छे से शिफ्ट कर लिया है मैंने ताकि कोई भी लम्ब ना रहे ये सारे जितने भी लम्स थे वो हमने हटा लिए हैं उसके बाद यहाँ पर मैदा हमने छाना है जो वन फुल कप था वो ऐड किया थ्री फोर्थ कप सूजी गई है यानी कि एक कप से थोड़ी सी कम और वन कप पूरा जो है भर के इसके अंदर गया है मैदा उसके बाद गई है जी इलायची उसके बाद जी मैंने हाफ़ कप जो है चीनी ऐड की है और साथ ही ऐड कर दिया यहाँ पर घी हाफ कप जो था उससे भी आधा कप अभी ऐड किया है उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग हम अभी आपको देखेंगे कि बन रहा है नहीं बन रहा है कंबाइन हो रहा है नहीं हो रहा है तो और घी ऐड कर देंगे ठीक है ये सारी चीज़ें ऐड की ये वन फोर्थ टी स्पून सोल्ट था ये भी ऐड हुआ है क्योंकि सोल्ट से क्या है बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है एक फ्लेवर जो होता है ना इसमें मीठी टिके में मीठा मीठा ऐड कर लेंगे तो फ्लेवर नहीं आएगा तो इसमें सोल्ट भी ऐड करना है लास्ट में उसके बाद जी यहाँ पर वन टेबल स्पून और मजीद घी ऐड किया ये देखें अब इसको हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ठीक है इसको मिक्स कर लेने के बाद ये देखें इस तरह के कंबाइन शेप में आना चाहिए आपका जो मिक्सचर है उसके बाद जी यहाँ पर दूध है दूध में डाल भी लो नहीं फिर से चीनी डाल रही हैं अच्छा जी तो चीनी कम थी तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं ऊपर से जी अब साथ ही हमने मिल्क ऐड कर दिया जो कि वन टू तो टू टेबल स्पून ऐड किया और ये देखें इस तरह की लिक्विडी हो गई थी ये देखिए टेक्सचर लेकिन आपने घबराना नहीं है आपने उसको मजीद मिक्स करते रहना है सिर्फ टू टेबल स्पून एक एक टेबल स्पून करके ऐड कीजिए क्योंकि शुगर है वो साथ अपना भी वाटर जो है छोड़ देती है फिर उसके बाद जी उसको मिक्स करने में इजीली हो जाता है जब आप ज़रा सा भी उसको पानी मिलता है शुगर को तो ज़ाहिर बात है वो भी डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाती है तो इसलिए आपको अगर इस तरह की रनिंग में आ जाए कंसिस्टेंसी में तो आपने घबराना नहीं है आपने एक टेबल स्पून उसके अंदर और मैदा ऐड कर देना और उसे फिर से इस तरह की हथेलियों से अच्छी तरह गूंद गूंद के आपने इसे रख दिया मैं इसे ढक के रख दूँगी ऑयल लगा कर फॉर अबाउट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स तो ठीक है जी जब तक ये हो रहा है हम अपना घी वगैरह देखें तो इसे बनाना भी घी में ही है ठीक है तो इसे अंदर जी हम फ्लेम ऑन कर लेते हैं और हमने ऐड कर दिया जी अपना घी अच्छा जी कोई भी अगर मेरे से जो मेरी इतनी ज़ुबान चल रही है अगर आपको कुछ भी ना समझ आया तो मैं वो सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी आप उधर से आसानी से देख सकते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी ठीक है तो इधर जी अब हम जब इसको बनाने लगेंगे तो तब भी आपने ये एक्चुअली ना मैंने जब बनाया था ना तो जब हम तोड़ रहे थे तो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा ना टूट रहा था तो आपने उस टाइम भी नहीं घबराना है बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है ओके फ्लोर पे जो है मैदा डस्ट करके आपने अच्छा अच्छे से उससे फिर से एक दफ़ा हाथों से गूंद लेना है और फिर उसका इसी तरह पेड़ा बनाकर जिस तरह हम रोटी बेलते हैं उस तरह बेल के अब जी हम इसको ये देखें तकरीबन एक इंच उसकी होनी चाहिए मिठाई अब आप कोई भी कटर आपके पास गोल कटर है वो ले लीजिए देखें यहाँ पर मैं सिंपल जो है घर के जो कप होते हैं उससे कट कर रही हूँ राउंड राउंड शेप में तो इधर जी ये हो गई है ये देखें अब हम इसको अलग कर देंगे जो बाकी सारा उसको ऐड कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे बनाना है बार बार नहीं हिलाना अगर आप हिलाएंगे बार बार तो वो टूट जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है जब हम बना रहे होते हैं तो इसलिए बी केयरफुल आपने इजीली इसको पलटना है ईज़िली जब नीचे से हो जाएगा दो ये देखें अब बिल्कुल हल्के हाथों से ही देखें ठीक है इस तरह से आपने इसको पलट दिया इसी तरह से मैं बाकी ये सारे भी बना लूँगी तकरीबन तो पाँच मिनट में ये रेडी हो गई थी उसके बाद हम इसको इजीली सॉफ्ट हैंड से ही निकाल लेंगे बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इस तरह सारा सा ऑयल सारा सा सारा ऑयल निकाल कर हमने निकाल लिया इसे ट्रे के ऊपर और जी इधर बाकी सारे भी हमने रेडी कर लिए है तो ये हमारे यहाँ पर डन है ये देख सकते हैं आप लोग बहुत यम्मी फ्लेवरफुल और डिलीशियस नाउ यू कैन मेक इट दिस एट होम अपने अपने घर में आप बना सकते हैं क्योंकि वो कहते हैं जो लोग बनाते होते हैं ना वो इस तरह कहते होते हैं कि नियास के हम भाई नहीं देते हैं। तो फिर मुझे ना बड़ा वो होता था कि मैंने खा लिया यार मैं कैसे लेकर कर <laughs> तो इसलिए फिर ये मेरी अम्मी ने घर में ही बनाई है तो या आई इंजॉइड ना तो ये बहुत अच्छी बनती है यम यम या यम, घर में भी खा लेती हूँ और वहाँ से वो लाने दो जी बाइक तुम तो चली जाओ ओके जी अब मेरी जो है ज़बान को साइड पे रखें होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो यू लाइक सो प्लीज़ गिव दिस वीडियो लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग ओके गाइज़ अल्लाह मान अल्लाह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे ढेर ढेर सारा सपोर्ट करें बस ये मेरा स्लो मोशन में हाथ देख लें मेरे हाथों तो क्या हो रहा है रुक जाओ ओके बाय